दिखने में तो काफ़ी आप मज़े के लग रहे हैं, आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तैयार हो गया हमारा, तो है एक चिकन पराठा है और एक आलू पराठा है। मैंने खाया है ना, बहुत मज़े का टेस्ट है, मस्त ट्राई करें आप लोग। अगर मैं दोनों में से आपको बताऊँ ना तो मुझे आलू वाला ज़्यादा पसंद आया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल शहज़ाद खान और आप सबका खुशामदीद है एक बार फिर हमारे चैनल टेस्ट ऑफ स्ट्रीट में। तो अभी मैं मौजूद हूं F10 मरकज़ में, हम लोग मौजूद हैं। ये नॉन स्टॉप एक छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत मज़े का इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, बहुत प्यारा है इनका सिटिंग एरिया, बहुत प्यारा है और जो इन्होंने डेकोरेशन की हुई है वो देख के तो मज़ा ही आ जाता है। मैं यहाँ पर आए हुए हैं कुछ नान ट्राई करने। हमने सुना था कि इनके नान काफ़ी वराइटीज़, थोड़े भी नहीं, बहुत बीफ चिकन हो गए और इसके अलावा चीज़ में हो गए, काफ़ी किस्मों के, इनमें भी आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आप लोगों को हम दिखाएंगे और मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद नहीं है, पिछली वीडियो में भी नहीं था, आपको मैंने बताया भी था कि वो बीमार है, तो उसके लिए दुआ भी करना आप लोग कि अल्लाह उसको जल्द सेहत दे, फिर साथ में हम वीडियोज़ बनाएंगे। और अभी हम लोग ट्राई करने आए हुए हैं तो मुझे जो इनका सिटिंग एरिया देख के काफ़ी मज़ा आ गया, बहुत मज़े का इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो ये अभी हम मौजूद हैं नॉन स्टॉप F10 में, तो ये इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है लेकिन बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ है। ये बाहर से है, ये इनकी इधर भी सिटिंग है और इस साइड पे भी ये इनकी सिटिंग है, ये सारा लाइटिंग वगैरह और ये सारा बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है सेटअप। वहीं दरख्तों को भी सजा दिए हैं इन्होंने, ये सारे दरख्त सजाए हुए हैं ये, ताकि आप बैठ के खाएं तो मज़ा भी आए आपको। तो ये इनका सेटअप लगा हुआ है और उस साइड पर भी सारा सेटअप है लगा हुआ है। ऊपर वो लालटेने नहीं होती थी पहले, जब छोटे होते थे हम तो ये गाँव में लाइट जाती थी ना, तो ये लालटेने हम जलाते थे, इन्होंने वो लगाई हुई हैं यहाँ, जो बड़े मज़े का लुक दे रही हैं। एक हम तो ये तैयार हो रहे हैं अभी नान, यहाँ पे नान तैयार होते हैं और ये इनका तंदूर लगा हुआ है यहाँ पे। ये फिर सादा रोटी जिस तरह तंदूरों पे लगती है, ये गया तंदूर में। ये इनके पास मुख्तलिफ किस्म के नान मिल जाते हैं, आपने आलू नान मंगवाने हैं, चिकन नान या बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अभी मेन्यू आपको दिखाएंगे हम इनका, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। इनका मेन्यू देसी तंदूर, वेजिटेरियन में आपको वैरायटीज़ मिल जाती हैं, फिर बीफ स्पेशलिटी, ये चिकन में आप खाना चाहते हैं, चीज़ में, ये सारे इनके मेन्यूज हैं। टेरियल है इनका, छोटा सा सेटअप है लेकिन बड़ा प्यारा और साफ़ सुथरा सेटअप है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिल जाती हैं, ये तंदूर हो गया, ये भाई यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे ये फिल होते हैं इनके मसाले स्पेशल, और फिर जौन सा नान आपने मंगवाना है तंदूर में गया और बन के आ गया। ये नान लगे हुए हैं अभी तक, सही तरह बेक हो जाए तो फिर बाहर निकालेंगे इन्हें। ये तैयार हो गया एक नान, इस पे छुरी फेर दी है इन्होंने, जिबा हो गया ये, और ये दूसरे भी तैयार हैं यहाँ पे। ये निकाला गया है, ये दिखने में तो काफ़ी आप मज़े के लग रहे हैं, आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। ये आया तीसरा नान, तैयार हो गया हमारा, तो है एक चिकन पराठा और एक आलू पराठा है। आगे अभी तो इनके साथ ये जो केचप हो गया, मायोनीज़ वगैरह, ये सेपरेट मिलती हैं अलहदे से चार्जेज हैं। और ये अभी हमें 360 रुपए का कुछ चिकन पराठा था और 200 का या 170 तक कुछ आलू पराठा है, तो ये है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी ये चिकन है या आलू है इतना तो नहीं पता, टेस्ट करके ही पता चलेगा, एक ये और एक ये। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हमने मंगवा लिया है, एक चिकन पराठा मंगवाया है और एक आलू पराठा मंगवाया है। अभी कौन सा कौन से वाला है ना तो ये तो नहीं पता, लेकिन ट्राई करके अभी हम आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले ये आ गया और ये हमें उन्होंने कैचअप दी है अलहदा से, अलहदा चार्जेज हैं इसके। ये मुझे लग रहा है आलू है, आलू नान। गरम है, गरम है और केचप का टेस्ट नहीं है वो वाला, लेकिन जो नान है ना, नान का टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है इसका। केचप में मैंने पहले डिप किया है तो वो टेस्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया, लेकिन जो सेपरेट मैंने खाया है ना, बहुत मज़े का टेस्ट है, मस्ट ट्राई करें आप लोग। और ये आ गया ये चिकन वाला, ये नज़र आ रहा होगा सारा चिकन आप लोगों को, तो ये चिकन वाला हो गया। तो ये अभी आपको ट्राई करके बताते हैं कैसे है। मज़े के हैं। अगर मैं दोनों में से आपको बताऊँ ना तो मुझे आलू वाला ज़्यादा पसंद आया। ये नहीं कि ये बुरा है, ये भी अच्छा है, लेकिन वो एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये तो मानना पड़ेगा कि इनके नान बहुत मज़े के हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है आप लोग, लाजमी है, बहुत अच्छा फिटिंग एरिया है इनका, बहुत अच्छा इनका स्टाफ है, और लाजमी ट्राई करें आप लोग।